पंचशील लगा है बस पर, और ये तीन बसें जो आज गाजियाबाद के विजयनगर से विभिन्न बौद्धिक स्थलों पर, जैसे कि नोएडा, नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा के माननीय कांशीराम जी स्मारक, 26 अलीपुर पर ये बसें, और भी दो तीन जगह घूमकर आई हैं। अभी सभी साथी इकट्ठा होंगे तो पता चलेगा ये बस कहां कहां से घूमकर आई हैं। और सभी साथी लगभग 150-200 की संख्या में लोग आज दिल्ली पहुंचे हैं। गाजियाबाद ये तीनों बसें जो आज गाजियाबाद और विजयनगर से भरकर आई थी, अभी सभी यात्रा का सफल समापन के पश्चात सभी लोग अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। नारा लगाओ जय भीम के। जय भीम, जय भीम। ये दूसरी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसकी भी सारी सवारियाँ बैठ चुकी हैं। आज 26 अलीपुर रोड दिल्ली पर पहुंचा हूं। 16 अक्टूबर है, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, लेकिन हमारी एक बड़ी बहन का फ़ोन आया कि आज हम लोग नोएडा दिल्ली के जो हमारे अंबेडकरी पर्यटक स्थल हैं उन पर घूमने जा रहे हैं, और मनोज भाई आप आकर इस पर रिपोर्टिंग कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ ममता राक्षस जी की, किसी नाम की किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा थी और मुझे बुखार था तो मैं नहीं पहुँचा, लेकिन शाम को इनकी जो इनका बस का रूट था वो 26 अलीपुर पर ख़त्म हो रहा है, तो मैं 26 अलीपुर पहुंच गया हूं और आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं कितनी संख्या में, लगभग 250 के करीब लोग पहुंचे हैं। तीन बसें भरकर आई हैं, वो तीनों बसें मैंने आपको दिखाई हैं। आइए बात करेंगे, दीदी जरा आइए, लाइट में आ जाइए। अभी 22 प्रतिज्ञाओं का मामला थमा नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली नहीं पूरे देश में उसका हंगामा है, उस पर हड़कंप है, और ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग जो हैं लगातार हर जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ऐसे में आप तीन बस लेकर निकले हैं। जी पहले तो सभी साथियों को मेरा नमो बुधाए जय भीम, और समता न्यूज़ चैनल वाले भाई का हमेशा बार बार शुक्रिया, क्योंकि हर एक कहीं भी कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो हमेशा वो टाइम से पहुंचते आएंगे। और जैसा कि 22 प्रतिज्ञा का जो अभी माहौल चल रहा है वो बहुत गर्म है वाकई, और इस समय में हम अपने गाज़ियाबाद से लेकर और बहुत जगह से, बागू से, न जाने कहाँ कहाँ से, हापुड़ से लोग वार आए हैं हमारे साथ, और बहुत सारी हम चार अपने महापुरुषों के तीर्थ स्थलों पर उनको कह सकते हैं हम वहाँ घुमा कर लेकर आए हैं उनको, और कम से कम हमारे पास 250 से 300 लोग हैं, और वो सभी महापुरुषों को देखकर बहुत खुश हैं। वो ये कह रहे होंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस भारतवर्ष में, मतलब यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे तीर्थ स्थल हैं हमारे, और वो यहाँ देखने के लिए आज वो देखकर इतने खुश हैं कि वो तारीफ़ करते ही चले जा रहे हैं, वो शुक्रिया कर रहे हैं हम सभी का कि उनको हम यहाँ लेकर आए। समिति का मैं बार बार शुक्रिया अदा करूँगी, अम्बेडकर समाज कल्याण समिति का, जिसके द्वारा बार बार ये ऐसे आयोजन किया जाता है, उसके द्वारा हम सारे लोगों को इकट्ठा कर ऐसे तीर्थ स्थल पर लेकर आते हैं। और जो 22 प्रतिज्ञा वाली आपने जो बात कही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लेकर इस देश में तहलका मचाया था, और वैसे ही तहलका अब हमारे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी हैं उनकी वैसे तहलका चल रहा है, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। देश हर एक जगह, हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जाएगा, और मेरा बहुजन समाज इस चीज़ को समझेगा और एक न एक दिन मानेगा और आडंबर को त्याग देगा। ऐसा नहीं लगता कि जो क्रियाएँ चल रही थी बहुजन समाज के खिलाफ, और जब प्रतिक्रिया बहुजन समाज ने दी है, तो उस प्रतिक्रिया का जो दूसरी क्रिया होनी चाहिए, जो अम्बेडकरी समाज के ऊपर जो अत्याचार चल रहे हैं लगातार, और आवाज़ें मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं घालमेल करने पर लगी है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। देखिए क्यों दिक्कतें हो रही है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा से खलबली जो मची है पूरे भारतवर्ष में, इसलिए मची हुई है क्योंकि उनको पता है अगर हम लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो सबसे पहले तो जो मंदिर में हम जो दान करते हैं वो हमारा दान करना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, जो हम अपना घर में से सोना चांदी जो भी होता है हम वो भी चढ़ाते हैं, लोगों को देकर आते हैंगे, लेकिन वो व्यवस्था जब हम हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो वो सारी चीज़ें हमसे बहुत दूर हो जाएंगी, और उस दिन ये बहुजन समाज हमारा है आडम्बर से निकलकर एक प्रज्ञा की ओर चला जाएगा। मैडम क्या क्या परिचय आपका? मैं अजय बौद्ध गाजियाबाद से, और आज आज तमाम जगह आप घूमे हैं, क्या आपका अनुभव रहा है? हमारा अनुभव ये रहा है कि
हमें अपने समाज को इसी तरह से अपने बौद्ध स्थलों को अपने महापुरुषों के स्थलों पर जाना चाहिए, लेकर जाना चाहिए ताकि उनकी विचारधारा में फ़र्क आए, वो अपने महापुरुषों के बारे में जान सकें कि हमारे महापुरुष हमारी बहन मायावती ने क्या क्या बनवाया हमारे लिए, और इसी लिए हम सबको लेकर आए हैं। लोगों में उत्साह है, क्या परिचय हुआ आपका? हम गाजियाबाद से रहने वाले हैं जी, तो यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो अब तक तो बहुत हम ये पता थी हमें पता सुबह से निकले कहाँ कहाँ गए हम, सबसे पहले मायावती गांव गए थे जी, फिर वहाँ गए थे यूनिवर्सिटी गए थे, अच्छा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गए थे, फिर उसके बाद में तीसरा यहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल गए थे, अच्छा, हाँ, फिर चौथा यहाँ पर आए थे। तो मतलब किस तरह का अनुभव रहा है चारों जगह? बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, मतलब अपनी अपनी विरासत को देखकर खुश हो रहे। आप तो युवा है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ। क्या नाम है? लक्की। लक्की, आज बड़ा लक्की दिन है जो तुम चार चार जगह एक साथ घूम लिए। क्या क्या अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अच्छा अनुभव रहा है, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। इस पूरी टीम को, मनोज भाई हमारे विजयनगर से हैं और इस पूरी टीम को सुबह से लेकर साथ में चल रहे, मनोज भाई कैसा अनुभव रहा सबका? आज जो अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। मैं तो पहली बार बादलपुर डॉक्टर अंबेडकर पार्क को देखा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को देखा और बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद दलित प्रेरणा स्थल रिहा में दूसरी बार आया हूँ। इतनी पूरी टीम को लगभग 200 के करीब आदमी को लेकर आए हैं, तो इनका भी अनुभव कुछ नया रहा होगा? सारे लोग जो हमारे साथी है पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत सब अच्छा बता रहे हैं और अपने जीवन में बाबा साहब की जो शिक्षा है उसको और भगवान बुद्ध को अपने जीवन के उतारने का कार्य करेंगे, और इनका जीवन आने वाला मैं भगवान बुद्ध से कामना करता हूँ कि ये इनका जीवन सफल हो सभी। तो साथियों, आप लगातार इस संगठन के माध्यम से जो लोगों तक जन जागृति फैला रही है महिलाएं, हमारी परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश बौद्ध है, मैं विजयनगर गाजियाबाद से ही। किस तरह का अनुभव रहा है? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, ये चीज़ देखे यानी मन में उत्साह होता है कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कर गए हैं और बहन कुमारी मायावती जी ने इतना कर दिया है, तो इसका हम लोगों को फायदा उठाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए समाज को। ममता जी, लगातार आप लोग जन जागृति का काम कर रहे हैं, आज की जो लगभग 200 आदमियों का जो ये टूर है आपका, क्या भविष्य में इसका मतलब प्रभाव पड़ने वाला है? आप खासकर युवा और बच्चे, मैंने देखे छात्र आपके साथ ज़्यादा। जी 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 हाँ, हम लोगों का फोकस ही है सबसे ज़्यादा युवा बच्चों पर, क्योंकि युवा बच्चे अगर हमारे क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो वो समाज को आगे लेके बढ़ेंगे, एक दिन देश को आगे लेके बढ़ेंगे, तो इसलिए हमारा फोकस बच्चों पे ज़्यादा है। और महिलाएं भी बहुत ज़्यादा तादाद में थी यहाँ पे, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है महिलाओं ने, तो आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि वो बचपन से ही वो चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको मतलब बड़े टाइम पर आके उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरीके से रूट। सर परिचय दीजिए। मैं धर्मवीर सिंह, विजयनगर गाजियाबाद से जी। क्या अनुभव रहा आज का? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बादलपुर गए थे, बहन कुमारी मायावती जी ने जो पार्क बनवाया वो भी बहुत अच्छा था, दलित प्रेरणा स्थल गए वो भी बहुत अच्छा था, वहाँ जाके बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारा बौद्ध में जो मायावती जी बहन जी ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, वहाँ से फिर 26 अलीपुर रोड आए यहाँ पे, सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। मतलब इस बिल्डिंग को देखकर दिल खुश हुआ? खुश हुआ जी, खुश, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। क्या 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 मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो चाहे संडे का दिन ही क्यों ना हो, लेकिन कभी एक दिन ऐसा निकालकर अपनी फैमिली, अपने बच्चे को ऐसे महापुरुषों के तीर्थ स्थलों को दिखाओ, जिससे उनको पता चले कि हम जन्नत के बाहर खोज रहे हैं, जन्नत हमारे भारतवर्ष में ही है। को नमो बुधाए, जय भीम। ममता राक्षस जी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। जी जी, मैं से ब्रजवीर हूँ, सुदामपुरी से जी। सर हमें आके बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा जी, जी है ना जी। हम ऐसे तीर्थ स्थलों में जाना चाहिए और बच्चों को बुलाना चाहिए ताकि जी, जी। पता चले कि हमारे तीर्थ स्थान कैसे, हमारे महापुरुषों के क्या तीर्थ स्थान बनाए, उनको हमें देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। हमें सर यहाँ पे आके बड़े खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा साहब। कुछ और साथी हमारे साथ हैं, परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। विजेंद्र जी, पूरी टीम के साथ लगभग 200 आदमी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह का अनुभव रहा है पूरे दिन? बहुत बढ़िया रहा, पूरे दिन भर बड़ा एंजॉय किया सभी ने। इस उम्र में थकान हो जाती है, लेकिन नहीं थकान, जेना जेना जो भी है जेना थकान पूरे दिन के जेना बाबा साहब के सारे उसको देख के सारी थकान मिट गई है, सब कुछ है यहाँ पे, तो बहुत ही शानदार वो रहा है। नहीं हम पहली बार यहाँ पर आए। क्या अनुभव रहा है? बहुत अच्छा हो रहा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा।
अच्छा लगा। कौन सी क्लास में हूँ? चार ए। बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा बाबा साहब के बारे में कुछ सीखा अंदर जाके? हाँ जी गाजा। हाँ हुई जी। हाँ हुई जी मेजर। चलिए चलिए फिर बातें करेंगे। मैडम क्या परिचय है और किस तरह का अनुभव रहा आज का आपका? बहुत अच्छा लगा, मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे। अच्छा तो ऐसा लग रहा है विनेश गौतम जी, ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आ गए, मतलब स्वर्ग से में आ गई यहाँ पे अंदर। बहुत अच्छा लोग मरने के बाद स्वर्ग ढूंढते हैं, आपको जीते जी एहसास करवा दिया बाबा साहब ने हमें। विजय लक्ष्मी जी, क्या अनुभव रहा आपका? अच्छा रहा। हाँ जी। चलिए सभी लोगों का अच्छा अनुभव है, कुछ लड़कियां भी यहाँ पर हैं। सुनो जरा बेटा, हेलो रुको जी जी, परिचय दीजिए जी, परिचय दीजिए मैडम। अर्चना जी, पूरा दिन घूमी है, थकान नहीं है चेहरे पर? नहीं बिल्कुल, यहाँ के थकान बिल्कुल दूर हो गई है और मैं इस जगह पे दोबारा आना चाहूंगी। अच्छा, अगली बार फिर आएंगे? हाँ जी। तो आज क्या अंदर देखने को मिला नया? अंदर बाबा साहब के बारे में जानने को मिला जो हमें नहीं पता था। मतलब बाबा साहब की प्रतिमाएं, जो आदम की प्रतिमाएं, बड़ी सुंदर लगी। हाँ जी। तो चलिए ये मैसेज है इन सभी लोगों का जो गाजियाबाद विजयनगर से लगभग 250 की संख्या में लोग आए हैं। और मैडम कैसा परिचय दीजिए पहले। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो हमारे बाबा साहब ने पहन कर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब देख के निया। हाँ चलिए, चाहते हैं कि अपने बच्चों को लेकर आए यहाँ पे, अपने बच्चों को दिखाएं। जरूर यहाँ पर बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जरूर आए, और सभी को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे बाबा साहब ने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या करा उन्होंने। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, जय भीम जय। चलिए सभी को एक बार अपने बच्चों को ऐसी जगह पर लाना चाहिए। इधर आ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है, मैं बमेटे से आई हूँ। मेरी यस क्लास ना बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ आना। बाबा साहब के बारे में क्या नहीं जानकारी? हमने बहुत कुछ सीखा उनके बारे में। जैसे कि दर्शकों को बताइए हमारे। जैसे कि यहाँ पे बहुत पढ़ाई के बारे में है जी, और अंदर बहुत अच्छी अच्छी देवी देवता नहीं मानने चाहिए, ये जो सब व्रत रखते हैं ये नहीं रखने चाहिए, और बौद्ध धर्म अपनाइए। और मेरा नाम खुशी है, बौद्ध धर्म अपनाइए। क्या परिचय है? मेरा नाम नितिन कुमार बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। यहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, इसका हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, और बहुत ही अच्छा अनुभव हमें मिला है। जो यहाँ के वॉलंटियर्स और वो बताने के लिए इन्होंने रखे हैं, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल में अधिकार दिए हैं, उनको खासकर वंचित समाज की महिला जो शिक्षा से दूर हैं अधिकतर, उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में क्या अधिकार दिए हैं। और बाबा साहब ने उनकी इसमें इन्होंने वॉलंटियर्स ने बताया उनका जन्म कब हुआ था, कौन सी रियासत में नौकरी करते थे, उनको क्या अपमान सहना पड़ा, उन्होंने काला राम मंदिर आंदोलन किया बहुजनों को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुजनों के लिए बहुत से काम किए। इस प्रतिज्ञा के बारे में वॉलंटियर्स ने बताया? प्रतिज्ञा के बारे में वॉलंटियर्स ने 22 प्रतिज्ञाओं के लिए बताया कि उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी बाबा साहब ने, तो वो एक बहुजन को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दी थी। मेरा नाम यशस्वी है। यशस्वी, क्या आज का फीलिंग है आपकी? बाबा साहब के घर से आप आ रहे हैं जहाँ पर बाबा साहब ने, आपको पता है ये बिल्डिंग क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। आपको पता है बाबा साहब स्वयं इस घर में रहते थे पहले? हाँ पता है, झोपड़ी थी छोटी सी, उसी झोपड़ी में बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। हाँ जी, ये कि बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई करी थी जिससे आगे जाके और भी चीजें अच्छी हुई। आप भी पढ़ेंगे? हाँ जी हम पढ़ते हैं। पढ़ के इतना बड़ा घर बनवाएंगे अपने लिए? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा, इस बच्चे के लिए ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? इधर आइए घूमिए, परिचय दीजिए अपना। मायसेल्फ मेघा। योरसेल्फ मेघा? हाँ जी। किस क्लास में हो? आई एम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर।
फर्स्ट ईयर में हो। हाँ जी, मुझे ये बताइए बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, उनको वोट दिलाने का अधिकार दिलाया है और हिंदू कोड बिल पास करवाया, उनके लिए इक्वालिटी इतनी दी है, पढ़ाई में इतनी सारी चीज़ें करी हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। बच्चे हमारे जागृत हो रहे हैं। सर मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं विजयनगर बागू से आई हूँ। क्या मैसेज रहा आज का? बहुत अच्छा मैसेज रहा है सर, मेरे ग्रुप में 2 बसें आई हैं यहाँ से और बहुत ये सब देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकती हूँ, बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर अम्बेडकर जो समिति है, जिस समिति ने आज के इस टूर को रिकॉग्नाइज किया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। सर परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आदर सिंह वर्मा और E-223 सेक्टर 9 विजयनगर गाजियाबाद में रहता हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। आज जो इस बस का इस टूर का प्रोग्राम बनाया है, हम जो जहाँ जहाँ गए, बादलपुर में बहन जी के द्वारा बनाए गए जो पार्क हैं और भगवान बुद्ध जो स्थल है वो हमें देख करके हम बहुत अच्छे लगे और उसके बाद में हम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गए, जिसे देख करके हमें बहुत ही आनंद मिला, बहुत अच्छा, और हमने वहाँ नाश्ता भी किया, खाना खाया और उसके बाद में फिर हम यहाँ आए प्रेरणा स्थल और उसके बाद में यहाँ दिल्ली। छोटे छोटे अच्छा, पूरे ग्रुप में लगभग 50 के करीब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। पहले मैं बच्चों को दिखा दूँ, देखे कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। क्या नाम है? मनीष। मनीष कौन सी क्लास में हो? थर्ड। तुम्हारा क्या नाम है? लक्की। लक्की कौन सी क्लास में हो? फोर्थ। फोर्थ में। क्या नाम है तुम्हारा? सूर्या। कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ। क्या नाम है तुम्हारा? मिक्की। मिक्की। इतने सारे बच्चे इस ग्रुप में हैं और लगभग आधे ज्यादा बस में जा चुके हैं। इन बच्चों को लाने आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इन बच्चों को लाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य जो अभी से बच्चों में जो है ये जागृति पैदा होगी कि बाबा साहब ने जो कार्य किए थे इंडिया के लिए, उन्हें अभी से मालूम पड़े कि बाबा साहब के बताए गए और कार्य की जो किए हैं उनको प्रेरणा मिले। हाँ, मेरा नाम सीमा है, गाजीपुरा सीमा नाम है मेरा पुराने। छोटे बच्चे बोले नहीं, दिव्यांश बहुत ही तो बहुत मानता है, अभी से घर में वंदना करता है और हाँ जी। और लोकेश गौतम। हाँ जी बिल्कुल। सर सुरेंद्र, ये बच्चे नई जनरेशन को हम सिखाएंगे तभी तो वो सीखेंगे। मैडम परिचय दीजिए, इधर आइए। माय नेम इज उषा गर्दम। बाबा साहब ने जो जो सुविधाएं महिलाओं के लिए की उसके बारे में बहुत बहुत जो जरा हम चल रहे हैं बहुत ठीक है ना, बहुत कुछ जानने को मिला, भरपूर फायदा उठाया। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और इतने लोग इस ग्रुप में आए हैं और कहीं ना कहीं जब ये लोग यहाँ से जाएंगे और अपने अनुभव अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं वो लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचें।